हेलो नमस्ते, आपके अपने चैनल प्यार प्रेम सोलंकी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सर्दियों में माता रानी को गर्म कपड़े पहना रही हूँ, उसी का श्रृंगार बता रही हूँ। और अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं गर्म कपड़े की और गर्म वलून की, तो मेरे चैनल पर ये ड्रेस का स्टिचिंग और कटिंग वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो बड़ी ही प्यारी ड्रेस लग रही है माता रानी को। प्रॉपरली माता रानी तैयार हो जाएंगी तो और ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो मैंने माता रानी को चोली और लहंगा पहना दिया है और माता रानी की नथ और पायल मैं नहीं निकालती हूँ, उन्हीं के प्रॉपरली पहने ही देती हूँ। जब तक ये ठीक ठाक रहती हैं तब तक ये पहन ही रहती है, और जैसे मुझे लगता है ये ख़राब हो रही हैं या ख़राब हो गई हैं तो मैं उन्हें हटा देती हूँ। तो मैं आ जाते हैं हम माता के श्रृंगार पर। तो मैंने माता को एक हार मोतियों वाला पहना दिया है, जिसमें आप देख रहे होंगे तो मरून मोती भी हैं। तो ये मैं शाम को ही माता का नेकलेस लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नेकलेस चाहिए था जो थोड़ा हल्का भी हो और बलून ड्रेस पर मैं पहना भी सकूँ। तो मैं मार्केट गई थी तो मैं माता रानी के लिए भी ले आई। तो मैं माता रानी को कमरबंद पहना रही हूँ। ये कमरबंद बड़ा ही प्यारा है, लेकिन ये कमरबंद नहीं है, ये माता का सेट है, हार है, मैंने इसे कमरबंद की तरह पहनाया है। और ये मोतियों का हार मैं हटा दे रही हूँ, बहुत हैवी सा लग रहा है। अब सिर्फ मैं मंगलसूत्र पहना रही हूँ। हल्का सा श्रृंगार माता रानी का करेंगे और अब हम माता रानी को इयररिंग्स कानों के पहना देंगे और कंगन भी माता को धारण करवा देंगे। तो सारे कंगन मैंने पहले ही धारण करवा दिए थे और अब छोटा सा कंगन एक ही बचा है, तो वो ही मैं पहना रही हूँ। अब मैं माता रानी के इयररिंग्स पहना देती हूँ। मेरे माता रानी के कानों में इयररिंग्स के लिए छेद बने हुए हैं, लेकिन मैं ग्रू टेक से पहना देती हूँ, जल्दी से आ जाते हैं और गिरते भी नहीं हैं। अब मैं माता रानी को बाल धारण करवा रही हूँ। बाल बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आज मैं माता रानी के बालों को आगे नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। आज थोड़ा न्यू लुक और थोड़ा न्यू फैशन का करते हैं माता रानी का श्रृंगार। तो अब हम माता रानी को सिंदूर लगा देते हैं। माता रानी को सिंदूर, हर माता रानी को सिंदूर पसंद होता है और हर सौभाग्यवती स्त्री को सिंदूर पसंद होता है। तो माता रानी को मैंने सिंदूर लगा दिया है। सिंदूर लगने के बाद में माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब मैं माता रानी को कैप पहना दूंगी सेट करते हुए व्यवस्थित एकदम। तो मैंने कैप को व्यवस्थित कर दिया है और अब कैप को थोड़ा सा ऊपर करते हुए मैं कैप को पहना देती हूँ। सिंदूर लगाते वक्त हमारे चेहरे से भी हल्का सा सिंदूर लग जाता है, तो माता रानी के चेहरे पर भी हल्का सा सिंदूर लग गया है, उसको भी मैं कपड़े से पोंछ दूंगी, माता के टॉवल से ही पोंछ दूंगी। और माता रानी के मैं तिलक या कोई भी स्टोन बिंदी नहीं लगाती हूँ। जब मैं माता रानी को मंदिर में स्थापित करती हूँ तभी माता को सिंदूर का तिलक लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वही तिलक अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल तिलक लगाने पर मतलब ऐसा लगता है बड़ा बड़ा सा चेहरे पर लगता है। और अगर मुझे कहीं भी स्टोन का छोटा तिलक मिला तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, माता रानी को लगाऊँगी। अभी मैं माता रानी को अस्त्र शस्त्र धारण करवा देती हूँ। माता रानी बड़े ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इस पोशाक की सुंदरता बढ़ गई है माता रानी ने जब से इन पोशाक को धारण किया है। आप देख सकते हैं ये लहंगा पूरा गोलाई में आया है। कहीं बार ये होता है कि हम मार्केट से जो बलून वाले लहंगे लेकर आते हैं वो आगे की तरफ ही होते हैं, पीछे नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं माता रानी को इत्र लगा देती हूँ। इत्र लगाने के बाद में जो मनमोहक खुशबू आती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। माता का इत्र मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब मैं माता को आईना दिखा देती हूँ, क्योंकि हम भी तैयार होते हैं तो आईना देखते हैं, तो माता रानी को भी मैं आईना दिखा रही हूँ।
माता रानी अपने आप को आईने में निहार चुकी हैं। अब आपको प्रॉपरली माता रानी का वीडियो दिखा देती हूँ, माता रानी कैसे तैयार हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है माता रानी के ऊपर ये लहंगा, बहुत सुंदर लग रही है माता रानी और उनका प्रॉपर श्रृंगार आप देखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो जो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते हैं और कोई कमेंट भी नहीं, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।